अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चीज़ी चिकन पोटली। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खस्ता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट, जूसी और चीज़ी है। इसी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब देखेंगे इसे बनाने का तरीका। अब सबसे पहला आटा तैयार करेंगे, जिसके लिए लेंगे एक कप मैदे का आटा और उसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून कलौंजी और एक टेबल स्पून घी। घी ऐड करने से ये खस्ता बनेंगे और ऑयल ऐड करने से ये क्रिस्पी बनेंगे। तो घी या ऑयल दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हाथों से मिक्स करेंगे और इसे जब तक मिक्स करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें आटे में अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए। जब इस तरह से आटे का लंप्स बनेगा तब इसका मतलब आटे में सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गूंदते जाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए गूंदेंगे। अब आटा गूंदकर रेडी हो गया है तो अब इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए और चिकन की फिलिंग रेडी कर लेंगे। 100 ग्राम बोनलेस चिकन इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे इस तरह से। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबल स्पून मेयोनीज, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 50 ग्राम मोजरेला और प्रोसेस चीज़ को ग्रेटेड कर लेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया, 4 टेबल स्पून केचप। अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें चिकन ऐड करेंगे। और चिकन ऐड करने के बाद इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे जब तक चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अब इसे 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के वक्त इसमें सिर्फ अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट और नमक ऐड करेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसे बॉईल करने के बाद ऐड करेंगे। मैं इसे बिना कवर करे ही पका रही हूँ क्योंकि ये बोनलेस चिकन है और बोनलेस चिकन बहुत जल्दी बन जाती है, इसीलिए मैं इसे इसी तरह से पकाऊंगी। अब चिकन का पानी पूरी तरह से ड्राई हो गया है तो अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को ठंडा कर लेंगे। अब चिकन ठंडा कर लेने के बाद इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, हरा धनिया, मेयोनीज 2 टेबल स्पून, या इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे केचप 4 टेबल स्पून, और अब इसमें चीज़ ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन का पानी एकदम ड्राई कर लेंगे। अगर चिकन में पानी रह जाएगा तो ये एकदम पतला बनेगा और स्टफिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए चिकन को एकदम ड्राई कर लेंगे, इसका पानी एकदम ड्राई करके सुखा लेंगे। अब मिक्सचर रेडी हो गया। अब चिकन का मिक्सचर रेडी हो गया तो अब आटा चेक कर लेंगे। अब आटा अच्छी तरह से गूंथकर रेडी हो गया। अब थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर आटा रोल कर लेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए गूंथ के रखने से आटा बहुत अच्छी तरह से गूंथकर रेडी हुआ है। इसी तरह से रोल करते जाएंगे। अब आटे के छोटे छोटे राउंड बॉल्स बना लेंगे, इस तरह से इक्वल शेप्स के बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से 7 से 8 आटे के बॉल्स रेडी कर लेंगे। अब थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे
और उसके ऊपर आटा रख के थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और फिर उसे बेलेंगे। इसे राउंड शेप में बेलने के बाद अब इसके ऊपर एक चम्मच मिक्सचर रखेंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अब चारों तरफ से इसे इस तरह से पैक करते जाएंगे और ऊपर से इस तरह से इसका शेप रखेंगे। जो ऊपर से इसका शेप आएगा उसे प्रेस नहीं करेंगे, उसे इसी तरह से रखेंगे। बस नीचे से हल्के हाथों से इसे राउंड शेप में इस तरह से टर्न करते हुए बनाते जाएंगे और ऊपर से इसी तरह से फ्लावर शेप रखेंगे। और इस तरह से पोटलीज रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसे रेडी करेंगे पोटली के शेप में। इस तरह से चिकन की स्टफिंग कर लेंगे और अब इसे फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे और तेल ज़्यादा क्वांटिटी में गरम करेंगे क्योंकि इसे डीप फ्राई करेंगे। और जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो फ्लेम मीडियम कर लेंगे, मीडियम टू लो पर रखेंगे फ्लेम। और अब तेल गरम हो गया तो इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। अंदर से चिकन पका हुआ है पर आटा कच्चा है, इसीलिए लो फ्लेम पर कुकिंग करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। आटे में घी ऐड करने से ये खस्ता बनेंगे लेकिन स्लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगे। और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, अंदर तक एकदम कुक हो जाएंगे। अब 5 से 6 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए, तो इसे टर्न करेंगे और साइड बाई साइड इसके फ्राई करेंगे। इसे पूरा टर्न नहीं करेंगे, अगर पूरा टर्न करके इसे फ्राई करेंगे तो इसका फ्लावर का शेप ऊपर से ख़राब हो जाएगा। अब ये हर तरफ से फ्राई करके हो गया है तो अब मैं इसे एक एब्जॉर्बिंग पेपर पर डिश आउट कर लूँगी। तो अब मेरी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बना रही हूँ चिकन चीज़ क्रेप्स। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो जल्दी बन जाती है और ये बहुत ही टेस्टी भी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। सबसे पहला क्रेप्स रेडी करेंगे जिसके लिए लेंगे 1 कप मैदे का आटा, 1 कप दूध, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 अंडा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर। अब इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसका एक पतला सा बैटर ऐड बना देंगे। इसे अच्छी तरीके से बीट करके इस तरह से इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अगर ब्लेंडर से या मिक्सर से रेडी करेंगे तो और जल्दी ये रेडी हो जाएगा। तो अब ये क्रेप्स के लिए बैटर इसका रेडी हो गया है। अब इसकी चिकन की फिलिंग्स देखेंगे। अब चिकन की फिलिंग्स रेडी करेंगे जिसके लिए चाहिए 300 ग्राम्स चिकन का कीमा, 30 ग्राम्स मोजरेला चीज़, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़े से चॉप्ड किए हुए हरा धनिया, 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, सॉल्ट टू टेस्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब देखेंगे इसे बनाने का तरीका। अब एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। फिलिंग्स के लिए एकदम ज़रा सा ऑयल यूज़ करेंगे वरना वो बराबर से स्टफ नहीं हो पाएगा। और उसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करके उसको थोड़ा फ्राई, जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तब इसमें कीमा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद जो इसमें से पानी निकला है उसी में बाकी मसाले ऐड करेंगे। अब
चिकन के पानी के साथ मसाले भी इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएंगे और पक जाएंगे। और जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तब इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। ये चिकन का कीमा है तो इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी बनके रेडी हो जाएगा। अब इसका पानी अच्छी तरीके से सूख गया है तो अब इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। अब सॉस अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मोज़रेला चीज़ और हरा धनिया ऐड करेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे और फिर इसे ऐड करेंगे और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। अब फिलिंग्स रेडी हो गई है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और क्रैप्स की शीट रेडी कर लेंगे। अब एक तवा लेंगे और उस पर थोड़ा सा बटर या ऑयल स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा क्रेप्स का बैटर एक स्पून भरकर इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे, जैसे कि डोसा बनाते हैं उसी तरीके से इसे फैला लेंगे और जो साइज़ चाहिए वो साइज़ का इसे रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से बने। अब ये एक साइड हो गई है तो इसे टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड भी इसे थोड़ा सा पकाएंगे। अभी दूसरे साइड भी हो गया तो इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे क्रेप्स रेडी कर लेंगे। बैटर थोड़ा पतला रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से फैल जाए। अब क्रेप्स की शीट बनाकर रेडी हो गए तो अब इसकी स्टफिंग कर लेंगे। अब एक क्रेप्स की शीट लेंगे, इसमें थोड़ा सा चिकन की फिलिंग्स रखेंगे और इसे चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स की शेप में इसे फोल्ड करके रख लेंगे। इसी तरीके से सारे क्रेप्स रेडी कर लेंगे और फिर इसके बाद इसे बटर में टोस्ट कर लेंगे। इस तरह से क्रेप्स की फोल्डिंग कर लेने के बाद अब इसे टोस्ट कर लेंगे बटर में। इस तरह से इसे टोस्ट करेंगे स्लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगे, और स्लो फ्लेम पे करने से ये थोड़े क्रिस्पी रहेंगे और अच्छी तरीके से टोस्ट हो जाएंगे। अब 2 से 3 मिनट हो गए तो अब इसे टर्न कर लेंगे और इसके दूसरे साइड भी इसी तरीके से टोस्ट करेंगे। अभी दोनों साइड से रेडी हो गए तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे। अब मेरी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड चिकन पफ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और जल्दी बनकर रेडी हो गई है। एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनी है तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अब देखेंगे इसे बनाने का तरीका। अब सबसे पहले पफ रेडी कर लेंगे। 250 ग्राम मैदे का आटा लेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून शक्कर, 1.5 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट, थोड़ा सा गर्म पानी और 1/2 कप दूध। अब एक बॉल लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद उसमें शक्कर ऐड करेंगे और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक शक्कर घुल जाए।
जब शक्कर अच्छी तरीके से घुल जाएगी तब इसमें ड्राई यीस्ट ऐड करेंगे और एक मिनट के लिए उसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि यीस्ट अच्छी तरीके से घुल जाए। अब 10 मिनट हो गए तो अब इसे चेक कर लेंगे। अब ये रेडी हो गए। अब इसमें 1/2 कप दूध ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करते हुए इसे घोलते जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अब इसे हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से घुन लेंगे। अब इस तरह से घुन कर रेडी कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर से ग्रीस करके बॉल में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए गर्म जगह पर ताकि ये फूल कर डबल साइज में हो जाए। चिकन की स्टफिंग रेडी करेंगे जिसके लिए लेंगे 200 ग्राम बॉयल चिकन। बॉयल करने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और बॉयल करने के बाद इसे श्रेडेड कर लेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 50 ग्राम्स मोजरेला और प्रोसेस चीज़ मिक्स, 2 टेबल स्पून मेयोनीज, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे चिकन में। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चिकन की फिलिंग्स रेडी कर लेंगे। अब 1.5 घंटा हो गया और आटा भी अच्छी तरीके से साइज में डबल हो गया। अब इसे बेल लेंगे। अब इसे फुल साइज में बेल लेंगे और इसके साइड्स इतने पतले रखेंगे। अब इसमें कोई भी शेप का कट्स लगा सकते हैं पर मैं इसमें राउंड शेप निकाल रही हूँ। अब एक राउंड शेप का पीस लेंगे, उसके ऊपर चिकन की फिलिंग्स रखेंगे और दूसरा एक राउंड शेप उसके ऊपर रखकर उसे पैक कर लेंगे। और एक फोक की मदद से इसे चारों तरफ से पैक कर लेंगे जिससे इसको एक शेप भी मिल जाएगा और ये पैक भी हो जाएगा। इस तरह से स्टफ करके रेडी कर लेंगे।
अब स्टफिंग रेडी कर लेने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये फिर और थोड़ा सा फूल जाए और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। अब 10 मिनट हो गए तो अब इसे फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन में तेल लेंगे पर इसे स्लो कुकिंग करना है ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए, तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। स्लो कुकिंग में ये अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। अब ये दोनों साइड से फ्राई हो गए तो इसे डिश आउट कर लेंगे। अब पफ्स रेडी हो गए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं शेयर करूंगी कीमा कचौरी की रेसिपी जो बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब सबसे पहला आटा तैयार करेंगे, तो ये है 2 कप मैदे का आटा और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1.5 टेबल स्पून घी। घी के बदले तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी ऐड करने से कचौरी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आटा तैयार कर लेंगे, पर ज़्यादा नरम आटा तैयार नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसे हार्ड रखेंगे। अब आटा तैयार कर लेने के बाद कीमे की फिलिंग रेडी करेंगे। इसके लिए यूज़ करेंगे मटन कीमा बिल्कुल फाइनली मिक्स किया हुआ 250 ग्राम और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन के जवे, 1 लेमन जूस, थोड़ा सा चॉप्ट किया हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, ये 1 टीस्पून नमक है, और एक छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज, इसे एकदम फाइनली चॉप्ट कर लेंगे। अब इसकी फिलिंग रेडी करेंगे, तो एक पैन में थोड़ा तेल ऐड करेंगे, ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा तेल यूज़ करने से इसकी फिलिंग अच्छे से नहीं होंगी, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें चॉप्ड किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। लहसुन को अच्छी तरह से फाइनली चॉप्ड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से उसमें घुल जाए, और लो फ्लेम पर इसे सॉटे करेंगे ताकि लहसुन जल ना जाए। अब इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो इसमें कीमा ऐड करेंगे और कीमे को भी मिक्स कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेंगे और कीमे को मिक्स करेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है तो दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड किया हुआ प्याज, नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को मटन कीमे के बदले चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अब इसका जो पानी निकल रहा है इसे थोड़ा ड्राई कर लेंगे, तो इसमें पहले हरी मिर्च ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और पाउडर मसाले में धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्की हल्की खुशबू आ रही है। अब इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप्ट किया हुआ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। कीमा बिल्कुल बारीक किया हुआ था इसीलिए इसे बनने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। तो अब फिलिंग रेडी हो गई है। अब कचौरी के लिए रेडी करेंगे, तो इसके लिए लेंगे 1/2 कप घी और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदे का आटा और दोनों को मिक्स करके साइड में रख लेंगे और गूंदा हुआ आटे को थोड़ा सा रोल कर लेंगे। आटा गूंदने के वक्त घी के बदले तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर
घी का इस्तेमाल करेंगे तो कचौरी अच्छे खस्ता बनेंगे। अब थोड़ा सा आटा लेकर इसे बेल लेंगे, इस तरह से राउंड शेप में बेलने के बाद इसके बीच में थोड़ा सा फिलिंग रखेंगे, और उससे पहले इसमें आटे का जो घोल बनाया है घी के साथ वो रखेंगे और इसे उसके ऊपर फैला लेंगे। और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब थोड़ा सा इसके ऊपर और आटे का घोल लगाएंगे और दूसरे साइड से भी इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे आटा बेला हुआ, और बाजू से भी इसे इस तरह से इसके ऊपर आटे रखकर इसे प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसे फिर से बेलेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसे बेलेंगे राउंड शेप में। राउंड शेप में बेलेंगे या कोई और शेप में भी बेल सकते हैं, क्योंकि इसे फिर फोल्ड करेंगे तो इसका शेप कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसके बीच में थोड़ा सा फिलिंग रखेंगे, क्वांटिटी अपने हिसाब से लेंगे और इसे चारों तरफ से इस तरह से पैक करते हुए फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे, कचौरी का शेप देंगे इसे अच्छी तरह से, और इसी तरह से दूसरी कचौरी भी रेडी कर लेंगे। तो ये 7 से 8 कचौरी रेडी हो गई है। तो अब इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को अच्छी तरह से गरम करेंगे, और जब तेल गरम हो जाएगा तो फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि आटा कच्चा है, अंदर की फिलिंग पकी हुई है पर आटा कच्चा है। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा पर अंदर से बिल्कुल आटा कच्चा होगा और ये बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं होगा, इसीलिए इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए और ऊपर से भी। तो अब कचौरी बनके रेडी हो गई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है।